हेलो गाइस, गाड़ी नामक इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मौजूद है TVS अपाचे RR310 2021 मॉडल है, लेकिन ये जो बाइक है ना, ये बाइक बिल्कुल नई लग रही होगी आपको। रेस रेप्लिका ग्राफिक्स इसमें देखने को मिल रहे होंगे, वो किस लिए है, क्योंकि कंपनी ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है TVS बिल्ट टू ऑर्डर। जी हाँ, TVS की जो ऐप है TVS अराइव, उसके थ्रू या फिर वेबसाइट पर आप जाकर अपने हिसाब से इस बाइक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दो पैकेज में, एक है डायनामिक रेस पैकेज है, यानी कि एक डायनामिक पैकेज है और एक रेस पैकेज है। ठीक है, डायनामिक जो पैकेज है वो करीब करीब पड़ता है 12,000 रुपये का, जिसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। और जो रेस पैकेज है उसमें भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, वो आपको पड़ेगा लगभग 5,000 रुपये की कीमत पर, और उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो पहले जो स्टैंडर्ड चेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कीमतों की बात कर लेते हैं। इसकी जो कीमत है वो है लगभग 2,60,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है। और इसमें एक्स शोरूम कीमत पर जो बेसिक चेंजेस हैं वो क्या क्या मिलते हैं। बेसिक चेंजेस में आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल्ली कलर्ड, एक ये नया मिलता है। इसमें 3-4 चेंजेस कंपनी ने किए हैं। 3-4 चेंजेस क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप इसे एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो माई व्हीकल में आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। आप 3-4 डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, यानी कि इंश्योरेंस रख सकते हैं, गाड़ी का RC रख सकते हैं और अपना लाइसेंस भी रख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने इसमें डायनामिक RPM दिया है। डायनामिक RPM में जैसे कि यहाँ तक जो RPM जाता है वो ब्लू कलर में होता है, और उसके बाद जो जाता है वो रेड में चेंज हो जाता है। इसके अलावा कंपनी ने एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप प्रेफरेंस में आते हो तो यहाँ पर स्पीड अलर्ट है, तो इसे भी आप सेट कर सकते हैं। कितनी आपको स्पीड अलर्ट कितना चाहिए, 80 चाहिए, ऑफ करना है, 60 चाहिए, 70 चाहिए, मतलब ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आते हो तो यहाँ पर डिस्प्ले सेटअप पर मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रिप डिटेल्स में अगर आप आते हो तो डे ट्रिप मीटर ये कंपनी ने नया जोड़ा है। 24 घंटे की जो राइड की डिटेल्स हैं वो आपको सारी इसमें मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। एक तो ये नया मिलता है, बेसिक चेंजेस की बात करें। इसके अलावा कंपनी ने इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये नया दिया है, कि थोड़ा सा अब आपको स्वेप्ट अप एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे डायनामिक पैकेज में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, डायनामिक पैकेज में आपको ये जो फ्रंट वाले सस्पेंशन हैं ये आप एडजस्ट कर सकते हो, रियर वाले सस्पेंशन हैं उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो कलर है ये बिल्कुल नया है, इस कलर के लिए आपको 4,500 रुपये अलग से देने होंगे हालांकि। और यहाँ पर एंटी रस्ट ब्रास कोटिंग मिल जाती है, यानी कि इस पर आप कभी जंग लगेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे वाला जो सस्पेंशन है मोनोशॉक है, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेड कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, इसके लिए भी आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे रेस और डायनेमिक पैकेज के अलावा। फुट पैक्स बिल्कुल नए मिलते हैं, फुट रेस्ट बिल्कुल नया मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखोगे बिल्कुल नए मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर, मतलब जो मैं आपको बता रहा था ना डायनामिक पैकेज और ये रेस रेप्लिका ये जो वेरिएंट है, इसमें आप अपने हिसाब से जो नंबर लिखवाना चाहते हो वो लिखवा सकते हो, ये बिल्कुल ऐसे काफ़ी बढ़िया TVS रेसिंग लिखा हुआ मिल जाता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो ये तो है ऑलमोस्ट। और ये जो चेंजेस हैं, जैसे कि आप इधर हैंडल बार में देख रहे होंगे, आपने जो नॉर्मल TVS अपाचे RR310 देखी है उसमें थोड़े से हैंडल जो है थोड़े से स्ट्रेट हैं, ये वी शेप में इस तरीके से आ रहे हैं, तो एक ये बड़ा चेंजेस में देखने को मिल जाता है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा अगर आप रेस ट्रैक पर इसे चलाते हो तो आपको ये बिल्कुल अलग ही अंदाज देती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ मन में सवाल हैं तो कॉमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और हाँ, गाड़ी नामा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर करें, और वो बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।